सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज के स्टूडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कि कंप्यूटर्स की क्या डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन होती हैं, जैसे इंसान की जनरेशन होती है। और 1940 में जो है एडवांसमेंट इन कंप्यूटर एंड कम रैपिडली आ गया था। और दूसरी चीज़ जो है, 5 जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं इसमें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बेसिकली जो आते हैं वो है एनआईएक्स कंप्यूटर, और दूसरे आते हैं वैक्यूम ट्यूब्स एनआईएक्स कंप्यूटर, है ना। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो इनकी खासियत क्या क्या होती है कि इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में। और दूसरी जो है, ये लार्ज साइज़ के होते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर जो हैं बहुत बड़े होते हैं, कमरे के बराबर के भी कंप्यूटर हो सकते हैं ये। फिर अगली चीज़ हम देख लेते हैं कि जो ये जो हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, है ना, मतलब बहुत महंगे होते हैं। और जो इनकी स्पीड रहती है काफ़ी स्लो होती है, और उनकी जो मेमोरी होती है बहुत कम होती है, और मशीन लैंग्वेज इसमें यूज़ होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो है, द फॉलोइंग आर द डीमेरिट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो ड्रॉबैक्स हैं वो है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वॉज जनरेटेड, दूसरा हाई मेंटेनेंस, तीसरा है नॉट रिलायबल। सम ऑफ द मॉडल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर एवीडेक, इनैक और यूनिवेक, है ना। ये इसके एग्जांपल्स हैं, आप देख ही रहे हैं कि कंप्यूटर कितने बड़े बड़े होते थे पहले के टाइम पे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 से लेकर 1964 तक चले थे, और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो चले थे 1942 से 1955 तक, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम थी उसको रिकवर करने के लिए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बने थे, ठीक है। और ये जो है, ट्रांजिस्टर फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ऐसी थी कि ट्रांजिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसा यूज होता था, और वो फास्टर भी थे और साइज में भी स्मॉलर थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। और दे हैड इंक्रीज्ड मेमोरी देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा मेमोरी इसके अंदर होती थी। दे वर मोर रिलायबल, एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड, वो बहुत अच्छे रहते थे और एयर कंडीशनिंग उसके अंदर होती थी, रिक्वायर होती थी, ठीक है। मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ये उसकी दिक्कत थी कि उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। जनरेट्स हीट जनरेट करता था, स्लो स्पीड रहती थी, कम मेमोरी रहती थी, ये सब जो थी ये थी किसकी थी, ये थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की दिक्कतें थी। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें आता है 1965 से लेकर 1971। अच्छा, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है IBM मार्क 4 जनरेटर, ये भी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है, ठीक है। ओपन करके द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इंक्लूडेड इम्प्रूवमेंट्स इन मशीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दे वर डिज़ाइन टू मेक मशीन वर्क एंड टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसमें IC को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे यूज़ किया जाता था। कीबोर्ड और मॉनिटर इसमें इंट्रोड्यूस हो गए थे डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए। स्मॉलर साइज, छोटा साइज था इसका, हाई स्पीड थी, लो हीट जनरेशन था, ज़्यादा रिलायबल थे, पावर कम लगती थी। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल हो गया, फोर्ट्रान हो गया, ये यहाँ पर यूज़ होती थी। और इसके मॉडल थे IBM 370 NAV 7500, ठीक है। तो IBM 370 आप देख ही रहे हैं, जैसे इसका फ़ोटो बना हुआ है, और ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है फ़ोटो दिख रहा होगा आपको, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो यदि हम बात करें तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो ये है 1972 से 1980। तो माइक्रो प्रोसेसर इसमें इंट्रोड्यूस होते थे इस टाइम पे, ठीक है। और ये जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं ना, और 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर यूज़ होते थे, ठीक है, एक चिप में, एक सिलिकॉन चिप में 1000 कंप्यूटर यूज़ होते थे। तो फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, मतलब ये उसकी खासियत थी, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर हैविंग LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता था, वेरी फास्ट स्पीड होती थी, हाई मेमोरी होती थी, रिलायबल एंड एक्यूरेट होते थे ये, मिनिमम मेंटेनेंस लगता था इसमें, चीपेस्ट और अफोर्डेबल थे, स्मॉल साइज़ था,
एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, लैंग्वेजेस आर यूज आर यूजर फ्रेंडली थी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर था, पर्सनल कंप्यूटर की फोटो आप देख ही रहे हैं इसके अंदर बनी हुई है, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आप देख ही रहे हैं इंटेल कंपनी ने बनाया था। हाँ चालू है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है उसकी बात करें, ये फोर्थ जनरेशन तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब यदि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की बात करें तो वो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। इन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर VLSI टेक्नोलॉजी बिकेम ULST। ये हमारे बच्चे ने फोटो बनाया, देखो ये भी आप देख सकते हैं, ये रहा वो बच्चा जो फोटो बनाता है। तो टेन मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, जनरेशन इज बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक दूसरा बच्चा है जो दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है, इसका फोटो दिख रहा है आपको, और ये एक बच्चा है ये भी जो है इधर उधर शर्माता रहता है और कुछ बोलता नहीं है। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और थी कि असीमो जो है हिरोंडा नाम की कंपनी ने एक असीमो नाम का एक रोबोट बनाया था, ठीक है, तो इसके बारे में भी जो है आपको बता सकते हैं। होंडा नाम की कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज्ड करते थे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में, हाई स्पीड होता था वो और वेरी हाई स्पीड स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर थी, देयर आर वेरियस कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स थे उसके अंदर बहुत सारे, और हाईली रिलायबल और इंटेलिजेंट था वो, और साइज़ में काफ़ी स्मॉल था अदर कंप्यूटर्स की तुलना में, है ना। तो दे विल बी यूज्ड इन रोबोटिक और डिफेंस में इसका जनरली यूज़ किया जाता था। और आप देख रहे हैं कि असीमो रोबोट कैसा होता है ना, ये देखो असीमो रोबोट ये इंसान जैसे दिखता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मतलब कहने का मतलब ये कि जो चीज़ हम सोचते हैं उसके बारे में ये आपको बता देता है पहले से, है ना, मतलब हम सोचते हैं उसके पहले वो चीज़ हमको दिखने लग जाती है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और असीमो जो है ह्यूमनॉइड रोबोट है ना, जैसे इंसान जैसा दिखता है, और ये जो है होंडा कंपनी ने बनाया था, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद जो है अब जो इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है, तो सिंस 1940 देयर हैव बीन ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स, ये हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बिटवीन 1942 एंड 1955, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बिटवीन 1956 एंड 1964, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे 1971 तक, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो 1972 से 1980, और असीमो थे वो होंडा कंपनी ने बनाए थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे चैप्टर आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज्ड की जाती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, ठीक है, नहीं सेकंड जनरेशन में, हाँ सब सही, सॉरी फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की जाती थी, पर ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, यूनिवेक जो था मॉडल था फर्स्ट जनरेशन का, और ह्यूमनॉइड रोबोट इज़ नोन एज असीमो, है ना। और उसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से 1966 से 1971 तक चलते थे, और इन्हें भाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होता था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में होता था चूहा चोखरा। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता था इसमें, थर्ड जनरेशन में 1965 से 1977 तक था ये, जैसा सिद्धि पढ़ती है वैसे हम पढ़ के दिखाते हैं आपको। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से यूज वैक्यूम ट्यूब से सही गलत आपको दिख रहे हैं कि जो ऊपर वाला है वो पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, अब आप पढ़ लेना खुद ही, हम पढ़ नहीं रहे इसको। यानी कि एक वॉज द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर था। सॉरी द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या था इसका नाम, वैक्यूम्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स ये क्या था, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड वाले में आईसी, चौथे वाले में माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड फिफ्थ वाले में रोबोट वाला कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूनिवेक, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर IBM 1620, थर्ड जनरेशन IBM 360, फोर्थ जनरेशन IBM 5100, फिफ्थ जनरेशन SP12। तो इतने टाइप के कंप्यूटर हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये जो कंप्यूटर इसमें कंप्यूटर कोड एंड बाइनरी लैंग्वेज, इसमें नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में देखेंगे। बाय।
डेसिमल नंबर सिस्टम भी है इसमें। बाय बाय।